अलकापुर गांव में झुमरू नाम का नाई अपनी पत्नी शर्मीली के साथ रहता था। वो बड़ा ही आलसी किस्म का आदमी था और थोड़ा बेवकूफ भी, लेकिन शर्मीली बहुत ही समझदार और तेज दिमाग की थी। एक दिन झुमरू भागता हुआ घर आता है। क्या हुआ, ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो, जैसे तुम्हारे पीछे पागल कुत्ता पड़ गया हो। अरे अरे, वो चौधरी के लोग मुझे पीटने के लिए आ रहे हैं। क्या कर दिया तुमने, मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी हरकतों से। मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो लोग क्या पागल हैं जो तुम्हें पीटने आ रहे हैं। तभी दरवाजे पर, अरे ओ झुमरू के बच्चे बाहर निकल। क्या हुआ भाई जी, क्या बात है। कहाँ गया झुमरू का बच्चा, तुम्हें पता है वह चौधरी जी की हजामत बनाते बनाते सो गया और उसने बालों के साथ चौधरी के कान भी काट दिए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, अब गांव में लोग उन्हें कनकटा चौधरी कहेंगे। अपनी बकवास बंद करो, और कहाँ है वह झुमरू का बच्चा। भाई उसे माफ कर दो, अभी तो वो घर पर नहीं है, वापस आता है तो मैं खुद उसे लेकर चौधरी जी के पास आऊंगी और उनके बचे हुए कान, नहीं मेरा मतलब है बचे हुए बाल कटवा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है उसे लेकर हमारे सामने आने की। चौधरी के नौकर वापस चले जाते हैं और झुमरू कुछ दिनों तक घर के बाहर नहीं निकलता। सुनते हो, आज 4 दिन हो गए हैं तुम काम पर नहीं गए, कुछ काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा। तुम तो जानती हो कि मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और रोज रोज मेरे पीछे काम पर जाने के लिए मत पड़ा करो। ठीक है, थोड़ी दिनों में भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। भीख क्यों मांगूंगा मैं। क्योंकि घर में रखा सारा राशन खत्म हो जाएगा, फिर भीख मांगकर ही गुजारा करना पड़ेगा ना। तुम्हारे आलस की वजह से कोई तुम्हें काम नहीं देता, हर समय तुम्हें सिर्फ सोना होता है। अब मुझे नींद आती है तो सोऊंगा ही ना। मुझे समझ नहीं आता दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो खड़े खड़े सोता है। अपनी नींद की वजह से तुमने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है, अब तो कोई हमारी मदद भी नहीं करता। झुमरू अपनी नींद की वजह से कितने ही लोगों के बाल काटते काटते कान काट चुका था और कितने लोगों की तो आधी मूछें ही उड़ा चुका था। अब लोग झुमरू को हजामत के लिए नहीं बुलाते थे। एक दिन राजा जी के यहाँ 12 साल बाद बेटा हुआ है, उन्होंने अपना खजाना खोल दिया है, गरीबों को दिल खोल कर दान दे रहे हैं। तुम एक काम करो, राजमहल चले जाओ, महाराज से कुछ मांग कर लाओ। क्या मांग कर लाऊं? अभी भी क्या मैं ही बताऊं? खुद के पास भी थोड़ा दिमाग है कि नहीं, वही लगा लो ना। झुमरू राजमहल जाता है। महाराज मुझे भी कुछ दान में दे दीजिए। क्या चाहिए तुम्हें बोलो, आज हम मुंह मांगा दान दे रहे हैं। महाराज ये तो मेरी पत्नी ने नहीं बताया, पर आप कुछ भी दे दीजिए जो आपको ठीक लगे। अरे तुम कैसे आदमी हो, मैं मुंह मांगा दान दे रहा हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। महाराज मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस सोने के लिए थोड़ी जमीन मिल जाए। ठीक है। महाराज झुमरू को गांव के बाहर एक जमीन का टुकड़ा देते हैं और झुमरू खुशी खुशी घर वापस जाता है। आ गए तुम, क्या लाए हो महाराज से, जल्दी से दो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। महाराज ने मुझे जमीन का टुकड़ा दिया है। हे भगवान, तुम्हारे पास अकल है कि नहीं, हम जमीन के टुकड़े का क्या करेंगे। ये तो तुम्हारी गलती है, मैंने तुमसे पूछा था कि महाराज से क्या मांगना है, तुमने ही मुझे कुछ नहीं बताया। तो तुमने महाराज से क्या कहा। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, महाराज ने कहा कि वह मुंह मांगा ही नाम दे रहे हैं, वह बार बार मुझे ही पूछ रहे थे कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैंने उनसे कह दिया। तो मुझे तो जमीन पर सोने के लिए बस जगह चाहिए, और महाराज ने मुझे जमीन का टुकड़ा दे दिया। हे भगवान, सिर्फ सोना और सोना ही तुम्हारी जिंदगी में है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। हमारे पास ना तो हल है ना खेत जोतने के लिए बैल, तो हम उस जमीन का क्या करेंगे, कैसे खेती करेंगे उस जमीन पर। तुम खुद चली जाती, तुमने मुझे क्यों भेजा। बस यही गलती कर दी मैंने जो तुम्हें महाराज के पास भेज दिया। शर्मीली बहुत समझदार थी,
उसने ठान लिया था कि वो इस जमीन पर खेती करेगी। रात भर सोचने के बाद दूसरे दिन सुबह झुमरू को लेकर उस जमीन पर जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनो जी, मैं जैसे जैसे करूँगी मुझे देखकर बस वैसे ही वैसे करते जाना, और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। शर्मीली और झुमरू जमीन पर इधर उधर घूमने लगते हैं, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों। जैसे ही एक राहगीर को देखते तो जमीन पर बैठ जाते। लोगों को ऐसा लगता कि वे दोनों उन्हें देखकर रुक गए। राहगीरों के साथ साथ नगर के 5 बड़े चोरों की नजर भी शर्मीली और झुमरू पर पड़ती है। ऐसा लगता है कि ये दोनों कुछ ढूंढ रहे हैं इस जमीन पर। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब वे दोनों किसी को आते देखते हैं तो एकदम से रुक जाते हैं, मानो वह किसी दूसरे को ये नहीं बताना चाहते हैं कि वह दोनों क्या ढूंढ रहे हैं। काफी देर के बाद उनमें से एक चोर शर्मीली के पास आता है। क्या हुआ बहन, कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं ढूंढ रही। अरे बहन, तुम मुझे बता सकती हो, अगर तुम बताओगी तो मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा। शर्मीली पहले तो थोड़ी नानुकुर करती है, फिर चोर के बार बार कहने पर उसे बताती है। भाई, ये जमीन मेरे दादाजी की है। बहुत साल पहले उन्होंने जमीन में सोने और चांदी से भरा घड़ा कहीं पर दबा दिया था। उस जगह का सही पता बताने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं और मेरे पति उसी घड़े को ढूंढ रही हैं, लेकिन आप ये बात किसी को मत बताना। हाँ बहन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मजदूरों की सहायता से इस पूरे खेत को खोदना चाहिए, ताकि आसानी से तुम्हें वह घड़ा मिल जाए। अरे हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही सलाह दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं मजदूरों को लाकर खेत की खुदाई करवाती हूँ। लेकिन अब तो अंधेरा होने वाला है बहन, तुम यह काम कल सुबह सुबह करवा लेना। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कल सुबह जल्दी मजदूरों के साथ आकर खेत की खुदाई का काम करवा लूंगी। वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। वो चोर अपने बाकी 4 साथियों के साथ मिलकर पूरे खेत की खुदाई कर देता है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरे दिन सुबह शर्मीली और झुमरू खेत पर वापस आते हैं। देखा तुमने, खेत की खुदाई हो गई है। तुम यहीं रुको और किसी से कोई बात मत करना, मैं अभी आती हूँ। शर्मीली गांव के बनिए के पास जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़ा गेहूँ उधार दे दीजिए। उधार तो दे दूँ, तुम वापिस कैसे करोगी? तुम्हारा पति तो कुछ काम भी नहीं करता। मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं इसका 3 गुना गेहूँ आपको वापस कर दूंगी। शर्मीली उस गेहूँ को जमीन पर बो देती है। कुछ समय बाद उम्मीद से ज्यादा अच्छी फसल होती है, लेकिन सभी चोरों की पूरी नजर शर्मीली और झुमरू पर होती है। गेहूँ काटने के बाद शर्मीली सेठ को 3 गुना गेहूँ वापस कर देती है और कुछ गेहूँ बेचकर थोड़ी सोने और चांदी के सिक्के खरीदती है। उस रात चोर शर्मीली के घर आते हैं। इस फसल में तुम्हें हमें भी हिस्सा देना होगा, क्योंकि तुम तो जानती हो उस जमीन को खेती लायक खोद कर हमने ही तैयार किया था। मैंने तुम्हें बताया तो था उस जमीन में सोना मौजूद है। तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे हासिल नहीं कर सके, लेकिन वो घड़ा मुझे मिल गया और मेरे पास है। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। ठीक है, तुम संभाल कर रहना, हम अपना हिस्सा खुद ले लेंगे। एक चोर घर में छुप कर बैठ जाता है, लेकिन शर्मीली उस चोर को घर के अंदर छुपते देख लेती है। झुमरू चोरों की बात से थोड़ा डरा हुआ था। तुमने बेकार में ही चोरों से दुश्मनी मोल ली, अब ना जाने वह क्या करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। तुमने वह सोने और चांदी के सिक्के कहाँ रखे हैं? मैंने दरवाजे के नीचे घड़े में सिक्के रखे हैं, उसके ऊपर मिठाई रखती है। अब तो 5 में से सबसे समझदार मैं ही कहलाऊंगा। रात को जब ये दोनों सो जाएंगे तो मैं वह घड़ा लेकर बाहर निकल आऊंगा। रात को दोनों के सोने के बाद
वो बाहर छुपे अपने साथियों के पास घड़ा लेकर जाता है। ये लो, मैं अकेले ही सिक्कों का घड़ा ढूंढ कर ले आया। तुम तो बड़े हिम्मती निकले, हम सब तो ऐसे ही तुम्हें कमजोर समझते थे। अब तो मान गए, बड़ी मेहनत करी मैंने, मुझे भूख भी बहुत लग गई है, इसलिए आते आते इस घड़े में थोड़ी मिठाई भी रख लिया है। चलो पहले हम सब बैठ कर ये मिठाइयाँ खाते हैं। सारे चोर मिठाई निकालकर मुंह में डालते हैं, लेकिन शर्मीली ने मिठाई की जगह मिर्ची के लड्डू बनाकर रखे होते हैं, जिसे खाकर उनकी हालत खराब हो जाती है। दूसरे दिन सुबह वो सारे चोर बहुत गुस्से में वापस शर्मीली के घर जाते हैं। आ गए तुम लोग, कैसी रही रात की दावत? तुम्हारी शक्लें देखकर लगता है दावत बड़ी ही स्वादिष्ट थी। तुमने जो किया वो बहुत गलत किया है, अब तुम सावधान रहना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक चोर मौका पाकर वहाँ छुप जाता है। शर्मीली उस चोर को छुपते हुए देख लेती है। रात को, तुमने उन सिक्कों को कहाँ रखा है? मुझे तो चोरों की बात से डर लग रहा है, ना जाने वह क्या करेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैंने उन सिक्कों को नीम के पेड़ पर लटका दिया है, वहाँ उन चोरों को क्या, उनके परदादाओं को भी शक नहीं होगा। खुद को बड़ा समझदार समझते हैं ये दोनों। नीम के पेड़ से सिक्कों की पोटली तो हम बहुत ही आसानी से उतार लेंगे। घर के बाहर अपने साथियों के पास जाकर वो पेड़ की तरफ इशारा करता है। वो देखो, इन बेवकूफों ने सिक्कों की पोटली ऊपर से पेड़ पर लटका रखी है, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। लेकिन वहाँ सिक्के नहीं, मधुमक्खियों का छत्ता होता है। चोर अंधेरे में छत्ते पर हाथ लगाता है तो एक मधुमक्खी उसके हाथ पर काट लेती है। वो अपने हाथ को अपनी कमर पर रगड़ता है। नीचे खड़े बाकी चोरों को लगता है कि वो सिक्के अपनी जेब में डाल रहा है। तभी एक दूसरी मधुमक्खी उस चोर को काटती है। वो फिर से अपने हाथ को जोर से झटकता है। तुम ये जो कर रहे हो ठीक नहीं है। आज तक हमने जो भी चोरियां की है वह सब मिल बांट कर लिया है, आज तुम बेईमानी कर रहे हो। मुझे किसी ने काटा। तभी दूसरी मधुमक्खी उसके सीने पर काटती है। चोर जोर जोर से अपना हाथ सीने पर मारने लगता है। नीचे खड़े चोरों को अब लगता है कि वो सिक्के अपनी ऊपर की जेबों में भर रहा है। हमारे साथ बेईमानी करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रुक जाओ, मैं भी पेड़ पर चढ़ता हूँ। मधुमक्खी ने उसे भी काटा, उसने भी अपना हाथ अपनी कमर पर मारा। अरे कुछ तो शर्म करो, वह तो बेईमान हो ही गया था, तुम भी उसके साथ बेईमान हो रहे हो। सारे सिक्के नीचे लेकर आओ, जो होगा मिलकर बांटेंगे। दूसरा चोर कुछ बोलता उसके पहले ही दूसरी मधुमक्खी ने उसे काट लिया। उसने फिर से अपने हाथ को कमर पर रगड़ा, लेकिन नीचे खड़े चोरों को ऐसा लगा कि दूसरा चोर भी अपनी जेब में सिक्के भर रहा है। एक एक करके सारे चोर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। रुक जाओ तुम सब, तुम सब के सब अपनी अपनी जेब में सिक्के भर लिए तुमने, अब बाकी के बचे हुए सारे सिक्के सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। वो पूरी ताकत से छत्ते पर हाथ मारते हैं, जिसकी वजह से मधुमक्खियाँ बुरी तरह से सबको काट लेती हैं और वो सब पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो पांचों चोर कभी हमारे घर की तरफ वापस आएंगे। लेकिन कुछ समय बाद घर के बाहर कुछ आवाज आने लगी। ये तो उन चोरों की आवाज है, ये फिर से वापस आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इन बेवकूफों को पहले भी चकमा दिया है और आज तो इनको सबक सिखा कर रहूंगी। उसने अपने पति की हजामत करने का उस्तरा हाथ में मजबूती से पकड़ा और खिड़की के पास खड़ी हो गई। एक चोर ने खिड़की से अंदर झांका तो शर्मीली ने उसकी नाक काट दी। खिड़की पर कोई नुकीली चीज टंगी हुई है, ध्यान से। एक एक करके सारे चोरों ने खिड़की से अंदर जाने की कोशिश की और शर्मीली ने सबकी नाक काट दी। सिर्फ एक चोर की नाक बच गई। वो किसी तरह अपने साथियों को लेकर वहाँ से हकीम के पास गया। मुझे लगता है कि अब ये चोर कभी वापस नहीं आएंगे, उन्हें काफी सजा मिल चुकी है। तुम सही कह रही हो, मेरे साथ रहकर समझदार हो गई हो तुम। दूसरी तरफ चोरों को ये समझ आ चुका था कि वो इतनी आसानी से शर्मीली से कुछ नहीं ले सकते, इसलिए वो भेष बदल कर राजा के पास उसकी शिकायत लेकर जाते हैं।
महाराज, शर्मीली और झुमरू ने हमसे अपनी फसल का आधा हिस्सा देने की बात कहकर अपने खेत में खुदाई का काम करवाया, लेकिन बाद में जब फसल अच्छी हुई तो वह अपनी बात से मुकर गए। वह दोनों हमें फसल में कोई हिस्सा नहीं दे रहे महाराज, आप हमें न्याय दिलाइए। शर्मीली और झुमरू को दरबार में बुलाया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, इन पांचों ने जो भी कहा है सब झूठ है। मैं भला क्यों इन्हें अपनी फसल का हिस्सा दूं? इनके पास क्या सबूत है कि मैंने इन्हें हिस्सा देने को कहा था? और दूसरी चीज महाराज, आपने इन्हें पहचाना नहीं। ये आपके राज्य के वही पांच मशहूर चोर हैं, जिन्हें सेनापति जी कब से ढूंढ रहे हैं। आज ही आपके सामने भेष बदल कर आए हैं। सेनापति चोरों को पहचान जाते हैं। शर्मिली, तुम बहुत ही समझदार और वीर हो। हम तुम्हारी समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए हम झुमरू को अपने महल में काम पर रखते हैं। और तुमने राज्य के चोरों को पकड़वाया है, इसलिए हम तुम्हें इनाम में और जमीन देते हैं। इस तरह अपनी सूझबूझ और हिम्मत से शर्मीली न सिर्फ चोरों को पकड़वाती है, बल्कि झुमरू को राजमहल में काम भी दिलवाती है और अपने घर की स्थिति को भी सुधार लेती है।